डिस्कस करना होगा व्हाट इज देश के फॉर्मुलाएगा समझ आएगा की एक्जैक्टली आपका इकोनॉमिक वैल्यू होता क्या है देखिये इकोनॉमिक वैल्यू एडिट का फॉर्मुला कहते हैं कंपनी जो है ऑपरेट यानी कि कंपनी का जो बिजनेस है और जो कंपनी में जितना भी मुनाफा है कब सरकार को सारा टैक्स देने के बाद right, जो भी प्रॉफिट कमाया कंपनी ने वो अगर वो एक्सेस कर रहा है किससे मैनेज करना है हमें एक्सेस कर रहा है किससे जितना कंपनी ने ने अपनी कैपिटल लगाई है कंपनी में दैट इज वो हमें लेके चलना है

याद रखना लेकिन यहां पर सिर्फ कैपिटल इंप्लट नहीं लेना कैपिटल इम्प्रोड तो इक्विटी प्लस डेट होता है कोई दिक्कत नहीं है बट यहाँ पर बात हो रही है किसकी ऑपरेटिंग कैपिटल इम्प्लॉयड यहाँ पर डिफरेंस है राइट तो अभी मैं धीरे समझाऊंगा उसको कि ऑपरेटिंग कैपिटल इंप्लॉयट कैसे निकालेंगे वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे अब बात करते हैं मल्टीप्लाई वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है बेसिकली जैसा मान लीजिए आपको पता है कि इसमें आपका जो है इक्विटी प्लस डेट दोनों होता है अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हो तो आप इन रिटर्न आप क्या एक्सपेक्ट करोगे डिविडेंड एन रिटर्न यही तो एक्सपेक्ट करोगे और अगर मान लीजिए अगर आपने किसी कंपनी के डिबेंचर लिए हुए तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे इंटरेस्ट इक्विटी होगा तो रिटर्न इन बाय वे ऑफ डिविडेंड राइट डिबेंचर होंगे तो फिर इंटरेस्ट अब आप ये बताइए कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या कॉस्ट है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू पंटू वैसे है कंपनी ने आपसे पैसा लिया बाय वे ऑफ इक्विटी कंपनी इन रिटर्न आपको क्या है डिविडेंड तो कंपनी के लिए डिविडेंड क्या होगी कॉस्ट आपने कंपनी के डिबेंचर लिए हुए आपको फिक्स रेट इंटरेस्ट मिलेगा तो कंपनी के लिए के वो क्या है कोस्ट है कॉस्ट तो इसी को बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि कंपनी ने जो भी कैपिटल इनपुट लगाई हुई है उस पर कंपनी को कितना खर्चा देना पड़ रहा है राइट तो बेसिकली क्या हो गया ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड

बट अगर नेगेटिव चला गया तो कहीं ना कहीं सोचना होगा कि कंपनी जो कमा रही है उससे ज्यादा कोर्स कर रही है तो कंपनी को सोचना पड़ेगा कि भी या तो कंपनी को अपनी कोर्स कटिंग करनी पड़ेगी किस में कोस कटिंग करनी पड़ेगी या तो डिविडेंड कम बटे ठीक है या फिर डिवेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करें या फिर अपने किसी तरह से कंपनी को अपनी सेल्स मैनेजिंग सेल्स में उनको फोकस करना होगा कि अपने प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में मार्केट मार्केटिंग करनी पड़ेगी सेल्स बनानी पड़ेगी राइट तो कंपनी को ये सोचना पड़ेगा तो देखिए अब तक हमने क्या समझा है कि इकोनॉमिक वैल्यू एडिट होता क्या है दैट इट बेसिकली दी दी एक्सेस ऑफ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्सेस ऑफ सॉरी एक्सेस ऑफ सॉरी इट इज बेसिकली दी ओवरऑल अर्निंग बाय द कंपनी इन द एक्सेस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय राइट देखिए अगर हम डिफरेंस की बात करें दैट इज द ग्रोस वैल्यू

अब अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स के एक्सपेक्टेशन को मीट कर पा रहे हो और उसको मीट करने के बाद भी अगर उससे ज़्यादा आप कमा रहे हो सो दट मीन्स फ्रूटफुल है सो दैट मीन्स देखो अगर आ, आपको जो है जो कंपनी में आपकी कंपनी में पैसा लगा रहा है और आप उनके एक्सपेक्टेशन को मीट कर पा रहे हो उसके बाद भी आप जो है सरप्लस अमाउंट कमा रहे हो अपनी कंपनी के लिए सो दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडिड दैट इज द दिन कैलगुलेन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडिड राइट

या कंपनी ने जो है एम्प्लॉय बेनिफिट ज्यादा दिए उसकी वजह से हुआ राइट right? या कंपनी ने जो है फाइनेंशियल कॉस्ट ज्यादा की उसकी वजह से हुआ राइट right? तो सब कुछ सोचना होगा तो ग्रोथ वैल्यू एडिट जो है बेसिकली सिर्फ बताता कि कलेक्टिव एफर्ट्स बाय द कैपिटल मैनेजमेंट दैट्स इट बट इकोनॉमिक वैल्यू वैल्यूडिड क्या बताता दैट देस इट इज बेसिकली द सरप्लस अमाउंट जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ओवर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल राइट सो इसलिए बोलते हैं कि इकोनॉमिक वैल्यू एडिड दैट इज फ्रूटफुल वैल्यू एडिड एडिड एज कम्पेयर टू ग्रोथ राइट चलिए अब धीरे धीरे समझते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे होता है देखिए इसका फॉर्म क्या होगा नो पैट नो पैट दैट इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलता है सेल्स होगा

जो ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है हमें चाहिए तो आप आफ्टर टैक्स है बट ये ना ऑपरेटिंग नहीं है क्यों नहीं है सर आप बताइए ये जो कॉस्ट होती है ये होती है आपकी बिजनेस कॉस्ट और ये होती है आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट राइट आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए क्या आप बिजनेस कोस्ट माइनस करोगे दोनों तो कर, करने सकते। भाई जो मंगाया है उस पर आपको ब्याज देना पड़ रहा है तो ये आपका बिजनेस कॉस्ट नहीं है ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है ऑपरेट करने में जो खर्चा होता है ये वाला खर्चा नहीं है ये फाइनेंशियल बर्डन है कंपनी के ऊपर राइट right? तो इसका मतलब अब हमें पैट निकालने क्या करना होगा सीधे सीधे हम क्या करेंगे जो आपके पास अमाउंट है टैक्स में से हम टैक्स माइनस कर देंगे हमें इंटरेस्ट माइनस करने की जरूरत नहीं है हमें इंटरेस्ट माइनस करने की जरूरत नहीं है, है राइट right? तो इसलिए हम इसको माइनस नहीं कर सकते है. तो आपके पास जो आएगा दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स उसी में से टैक्स माइनस कर देंगे जो भी टैक्स रेट है चाहे थर्टी परसेंट हो उसी का डेट लेकर राइट चलिए ये तो हमने समझ लिया कि हाउ टू गेट नो पैट दैट इज द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब बात करते हैं ऑपरेटिंग कैपिटल होता था कैपिटल इक्विटी प्लस डेट इक्विटी प्लस में क्या क्या आएगा देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में आपको ये सब इन्फॉर्मेशन हो तो ये आपको माइनस करना होगा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट फिटीशियस एसेट्स वर्किंग कैपिटल अगर ये है तो ये सब माइनस करो उसके बाद आपके हाथ में आएगा ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड राइट

क्या बोलते हैं इसको हम रिस्क। एट अगर जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी ए लिमिटेड कंपनी है उसके शेयर ले रखे हैं। मान लीजिए एक दिन में मान लीजिए सेंसेक्स से आप इसको कंपेयर कर रहे हो मान लीजिए ये जो है ये एक परसेंट अप गया और सेंसेक्स जो है मान लीजिए वो अप गया कितना आ, वन परसेंट गया मीन्स अगर सेंसेक्स वन परसेंट अप जा रहा है तो आपका जो जो आपने शेयर लिया हुआ है वो भी वन परसेंट अप जा रहा है तो इसका मतलब इसका जो बीटा रेट है बीटा वो क्या हुआ कितना मिला आपको उस हो गया डिवाइड करके वन टाइम्स आ गया यही होता है आपका बीटा रेट सिमिलर जैसा मान लीजिए जो ये उल्टा भी ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए ये हो गया दो परसेंट क्या दो परसेंट अप एज कम्पेयर टू दी ओवरऑल मार्केट तो ये कितना हो गया टू टाइम्स राइट तो ये बीटा आपका आ टू टाइम्स और ये आपका बताता है रिस्क यानी कि कोई भी अगर आपने शेयर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसका बीटा रेट क्या है उसका फ्लक्चुएशन रेट कितना है एज पर ओवरऑल मार्केट इसको बोलते हैं बीटा राइट right? तो ये हम कौन सी कौन सी कंपनी का निकाल निकाल रहे रहे हैं हैं हम काशवी कंपनी लिमिटेड का तो काशवी लिमिटेड कंपनी का जो है वो कितना है है बीटा रेट है.

मान लीजिए कोई हंड्रेड वैल्यू है उसमें से आपने टैक्स माइनस के थे चालीस तो ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हुआ 60 ना तो 60, ,00 60 right? तो तो ये बेसिकली लाख है है राइट आपका टैक्स रेट कितना होगा आपको बताइए टैक्स कितना होगा टैक्स होगा सर फोर्टी सीधी सी बात है तो देखिए कैसे निकालना है सिक्स लाख डिड बाई मल्टीप्लाई बाई फोर्टी देखिए जो गिवन होता है उसको हमें निकालना होता है डिवाइड करना होता है और जिससे हमें फाइनआउट करना होता है हमें फाइनआउट करना है टैक्स रेट

अब निकालेंगे हम ऑपरेटिंग कैपिटल इंप्लेट कैपिटल इम्ब क्या था आपका इक्विटी प्लस डेट तो इक्विटी ट्वेंटी लैख रिजर्व प्लस सिक्स लैक प्रेफरेंशियल कैपिटल गिवन है डिबेंचर गिवन है टोटली आ गया अब आपको पता है इसमें से आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन है दैट इज दी इन द फॉर्म ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो वो हमने लेस कर दिया तो आपके पास ऑपरेटिंग कैपिटल इंप्रेट कितना थर्टी सिक्स लैख राइट Uh, इसको आप चलो ना भी देखो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर देखिए अब <coughs> देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला आपका ई वी ए कैसे निकालते हैं नो पैड माइनस ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड यही होता है आपने ये निकाल लिया आपने ये निकाल लिया अच्छा ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं ये मैंने लिखा नहीं यहाँ पर दैट इज दी ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने ये भी निकाल लिया हमने ये भी निकाल लिया ये भी निकाल लिया अब हमें ये निकालना है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालें वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने आपको क्या सुना था कि कंपनी का जितना भी कैपिटल इंप्लॉयड है उस पर कंपनी को कितना खर्चा देना पड़ रहा है उसको बोलते हैं हम उसी को बोलते हैं तो देखिए कैसे निकालेंगे यहां पर देखिए कर रहे हैं कैलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखिए डिबेंचर पे अमाउंट कितना है आठ लाख प्रिफ्रेंशियर पे कितना है चार लाख इक्विटी पे कितना है ट्वेंटी सिक्स लैख टोटल अमाउंट हो गया कैपिटल मेरे को थर्टी एट लैख राइट अब हमें निकालना है ये क्या लिखा हुआ है मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स कंपनी को डिबेंचर जो कंपनी ने आठ लाख रुपए आए हैं उस पर कंपनी को कितना ब्याज देना पड़ रहा है देखो साफ साफ लिखा हुआ था कितना ब्याज देना पड़ रहा है दस परसेंट

कंपनी है? है, तो जब कंपनी जब आपको डिवेंचर पे इंटरेस्ट देगी तो वो तो टैक्स के देगी ना माइनस टैक्स देंगे अच्छा इंटरेस्ट आपको किस पे मिलेगा ओवरऑल फेस वैल्यू पे तो उसको हैं, और हम क्या निकाल रहे हैं रेट निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड इट और कुछ नहीं है राइट right? तो भाई ये फॉर्मूला बन गया आपका

तो आपके पास बारह परसेंट क्या कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल राइट तो बारह परसेंट हो गया अब मेजरली आपका जो सबसे को, जो हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी ध्यान सुनना स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनिए एक मॉडल है इंपॉर्टेंट है लाइफ टाइम आपके लिए काम आएगा ये अभी आप फर्स्ट ईयर में हो ये एक मॉडल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो बीकॉम प्रोग्राम कर रहे हो आगे जाके आप सीए करोगे सीएस करोगे सीएमए करोगे कुछ भी करोगे ये मॉडल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा राइट right? तो ध्यान से सुनिए व्हाट इज ऑल अबाउट कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल देखिए कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अगर हम बोलें तो ये क्या बेसिकली थी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप मान लीजिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो एज अ इक्विटी शेयर होल्डर तो आप उस कंपनी से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे दैट इज ऑल अबाउट आपको कौन बताता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल राइट कैसे निकालते हैं देखिए उसको बेसिकली देखिए ऐसे बात है मान लीजिए आपके आप कंपेयर करना चाह रहे हो किसी डेट से अगर आप डेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा

अब हम क्या कर रहे हैं आप इसमें मान लीजिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कितना पंद्रह परसेंट रिटर्न इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप पंद्रह रिटर्न कर रहे हो तो आपका एक्सपेक्ट कितना है ओवर दैट रिटर्न इज हैल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बीटा रेट दैट मीनस उस पर्टिकुलर जो आपने इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया है उसका रिस्क आपने कितना लिया है कितने टाइम्स आप रिस्क ले रहे हो उसका

राइट right. और इतना रिस्क नहीं है बल्कि ये वो रिस्क है जितना आप मार्केट में जो आप क्योंकि मार्केट में रेट भी तो होता तो होता होगा उसको आपका, रेट से right? so, ये ही आपका हुआ था दैट इज कॉल्ड कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल तो देखिए अब आ, 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 आपका देखिए इसमें आंसर क्या जाएगा आपका रिस्क रिटर्न देखे टेन परसेंट प्लस

आपके पास ये प्रोडक्ट हो गया सबको ऐड करो तो आपके पास टोटल ने जितना भी कैपिटल इम्पनी है अड़तीस लाख रुपए उस पर को इतनी कॉस्ट उठानी पड़ रही है दैट इज थर्टीन पॉइंट फोर परसेंट राइट बस अब क्या करा कंपनी का जो टोटल कितना है थर्टी सिक्स लैख यहाँ देखिये थर्टी सिक्स लाख यहाँ से आया ना यहाँ से आया हम और उस पर कंपनी को कितना कोस्ट देना पड़ रहा है थर्टीन पॉइंट फोर परसेंट तो ईवी कितना आ गया आपका करने के बाद सिक्सटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ओल राइट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था आपको ऑब्वियसली थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा सो इससे बेटर आप जो है इसका पोज करके एक एक ये क्वेश्चन को आप फिर से रिपीट करना तब समझ आएगा कुछ इसे ऑल राइट चलिए क्वेश्चन नंबर एट आपको डेट कैपिटल गिवन है इक्विटी कैपिटल गिवन है रिजर्व कैपिटल आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है देन बीटा फैक्टर आपको गिवन है याद ना ये टाइम होता है एक्चुअली मार्केट रेट गिवन है नाइनटीन परसेंट मार्केट रिस्क प्रीमियम टेन परसेंट ऑपरेटिंग आफ्टर प्रॉफिट अच्छा ये भी आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है टैक्स रेट थर्टी परसेंट रिस्क फ्री रेट टेन परसेंट नाइन परसेंट देखिए आपको ये कंफ्यूज मत तो है रिस्क प्रीमियम क्या होता है देखो रिस्क प्रीमियम ने क्या पढ़ा था अभी भाई कितना आप मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे हो माइनस रिस्क प्रीमियम फ्री प्रीमियम मार्केट रेट कितना गिवेन आपको गिवन uh, गिवेन आपको कितना नाइनटीन रिस्क फ्री प्रीमियम कितना है टेन तो कितना आगा ये नाइन परसेंट ही तो आएगा और वही गिवन आपको जहाँ से देखिए सॉरी मैंने शायद उल्टा कर दिया सॉरी रिस्क फ्री रिटर्न आपको नाइन गिवन है तो आपको मार्केट रेट कितना हो गया रिस्क फ्री प्रीमियम टेन और वही गिवन आपको कन्फ्यूज में तो ना आप इसमें चलिए अब हमें यह इन्फॉर्मेशन है तो उससे हम ई निकालते हैं पहले देखिए अब ईवी का फॉर्मला क्या होगा नोट पैड नोपैड माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि ये हो गया आपका तो ये आपको नो नोटैड आपको गिवन है इस बार नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्कीस सौ रुपए सर आपने इसमें right? तो इंटरेस्ट आपको कैसे पता है कि इंटरेस्ट पे करा नहीं करा बिकॉज ऑलरेडी वर्ड दिया है ऑपरेटिंग राइट तो इसलिए मैंने डायरेक्ट उठा लिया पर इक्कीस ऑपरेटिंग कैपिटल इनपुट गिवन है टेन सर आपको कैसे पता चला है कि ऑपरेटिंग है क्योंकि आपको और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कोई फिट्टी कोई ऐसा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कोई कुछ गिवन नहीं है तो ये आपकी क्या बन गई ऑपरटिंग कैपिटल बस अब हमें इस पर कैलकुलेशन करना है कि ये कैसे निकालेंगे जस्ट तो देखिए आपका डिबेंचर है इक्विटी कैपिटल देखिए इक्विटी में आपको इक्विटी प्लस रिजर्व दोनों का एक साथ लेके चलना है डिबेंचर पे कंपनी को कितना है दो हजार करोड़ और इक्विटी प्लस रिजर्व पे कितना है आठ हजार करोड़ देख सकते हो तो क्वेश्चन पे आप डेट पे कितना है दिस वन और दोनों को मैंने ऐड कर दिया आठ करोड़ हो गया टोटल कैपिटल इमिट कितना होगा दस हज़ार अब आ, रेशो निकाल लिया इसका two, इसका अब KD के दिया कैसे निकालना इंटरेस्ट कितना है बारह परसेंट वन माइनस टैक्स रेट तो आपके पास कितना आ गया एट पॉइंट फोर वो यहाँ लिख दिया इसके बाद हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट कैपिटल एसेट प्राइस एक मॉडल तो रिस्क प्रीमियम कितना है नाइन परसेंट प्रीमियम कितना है टेन परसेंट बीटा रेट कितना है वन पॉइंट जीरो फाइव परसेंट सॉरी टाइम्स तो आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आ गया नाइनटीन पॉइंट फाइव यहाँ लिख दिया बस इन दोनों का प्रोडक्ट लेके चलेंगे यहाँ लिख दिया इसको प्रोडक्ट करेंगे यहाँ लिख दिया टोटल कर दिया तो सेवन पॉइंट टू एट परसेंट दैट इज दी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो यहाँ आपके पास आ गया बस आपके पास ओवरऑल ई कितना आ गया थ्री करोड़ नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर नाइन लिखा है धरी बैंक हैज़ अ क्राइटेरिया

टोट एवरेज टोटल एसेट गिवन है आपको सेवेंटी फाइव लैक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करके इस बार कैलकुलर के बहुत बढ़िया अब हमें गिवन है एवरेज कैपिटल दैट इज फिफ्टी लैख अच्छा अब हमें क्या निकालना पड़ेगा बेसिकली कैपिटल इन्बोइड निकालना पड़ेगा देखिए हम कैपिटल इन्बुट वैसे कैसे निकालते इक्विटी प्लस डेट आप देख सकते हो तो इस क्वेश्चन में ना तो इक्विटी गिवन है ना डेट गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे नेट एसेट के मेथड से निकालेंगे तो हम कहेंगे टोटल एसेट से टोटल लायबिलिटीज माइनस कर देंगे आपके पास क्या जाएगा ऑपरेटिंग कैपिटल

डिचर गिवन है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी गी गिवन आपको लैंड एंड बिल्डिंग भी गिवन है आपको एडवांस परचेज ऑफ लैंड भी गिवेन आपको वर्किंग कैपिटल भी गिवन आपको अर्निंग पर शेयर टैक्स रेट बेटा फैक्टर मार्केट रेट ऑफ रिटर्न रिस्क फ्री रिटर्न ऑलराइड ये अच्छा क्वेश्चन है क्लास इसको ध्यान से माना ये अच्छा क्वेश्चन आपका देखिए इसमें आपको कैपिटल इम्प्लॉयड भी निकालनी है कौन सी से निकालनी है ऑपरेटिंग इक्विटी प्लस डेट और उसमें से हम अंडर ऑफ कमीशन माइनस कर देंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे लैंड बिल्डिंग माइनस कर देंगे एडवांस गिवन टू प्लांट वो भी माइनस कर देंगे कैपिटल कैपिटल वर्किंग वर्किंग प्रोसेस वो भी माइनस तो कर देंगे तो आपके पास जाएगा ऑपरेटिंग कैपिटल राइट इसके बाद आपको निकालना होगा ऑपरेटिंग सॉरी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अब इसमें आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स कुछ भी गिवन नहीं है तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा आपको एक चीज गिवन है दैट इज कॉल्ड दिस अमाउंट जहाँ से देखिए ये अमाउंट गिवन आपको सिक्सटीन यहाँ से आपको पकड़ना पड़ेगा उल्टा जाना पड़ेगा तो पहले एक बार देख लेते हैं ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल कैसे निकालना है अच्छा चलो पहले ये देख लेते हैं नोट पर कैसे निकालें देखिए प्रॉफिट फॉर इक्विटी शोल्डर कैसे निकालना है अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ शेयर्स देखिए अर्निंग पर शेयर कितना है सोलह नंबर ऑफ शेयर्स कितना गिवेन आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स गिवन है आपको अच्छा ये आर अच्छा सॉरी एट हंड्रेड लैक है डिवाइड बाई टेन करेंगे राइट right. तो मटेरियल करने के बाद आपके पास कहतना दिसमच आपके पास आ जाएगा राइट right. तो अब आ, कहते हैं डिविडेंड अच्छा यहाँ पे कहेंगे देखो उल्टा जाना पड़ेगा ना देखिए हमें जाना पहले निकालेंगे प्रॉफिट फॉर यहीं देखिए प्रॉफिट फॉर इक्विटी होल्डर प्रेफरेंस मैंने ऐड करेंगे तो आपके पास कहा जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड कितना

उसमें से हम ब्याज हम क्या एडबैक करेंगे पंद्रह परसेंट है डिबेंचर का कितना बत्तीस हो गए राइट तो हमने ये निकाल दिया राइट ये थर्टी टू हंड्रेड होगा तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स आपका ये हो गया अब आपका पता है इस प्रॉफिट में आपके जो है सारे प्रॉफिट इंक्लूड हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वाला भी राइट तो यहाँ पर देखिए इस पे दो सौ अस्सी पे देखे टेन परसेंट वो भी मिल रहा है तो हमें वो भी माइनस करना पड़ेगा रेट अच्छा नॉमिन वैल्यू ये दो सौ लाख है ना मैं इस पर होगा सॉरी यस तो दो सौ का टेन परसेंट कितना होगा ट्वेंटी हो गया तो अब आप आपके पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स अब इसे हम टैक्स रेट माइनस करेंगे तो आपके पास नौ कितना आ गया वन सिक्स सिक्स टू राइट

उसके बाद हम क्या करेंगे जो प्रॉफिट आया कौन सा प्रॉफिट होगा बिकॉज ये प्रॉफिट हम देखिए इक्विटी को और डिविड का हैं आप टैक्स के बाद तो इसके कौन सा आपके आगा? आगा तो हम इसमें हम अब करना होगा तो इसका हमने कितना पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा अब इसमें इंटरेस्ट माइनस हो चुका होगा राइट तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे हम जो डिबेंसर का रेट है तो कितना चार सौ अस्सी

सबकी इक्वि कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ दिया सबके वेट्स निकाल लिए मैंने दोनों को ऐड करेंगे इन सबको तो आपके पास प्रोडक्ट आ गया वेट्स और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का तो टोटल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आ गया थर्टीन पॉइंट थ्री फाइव राइट बस थर्टीन पॉइंट मटेला करेंगे इसको हम ऑपरेटिंग कैपिटल से इस आ गया, आपका इकोनॉमिक वैल्यूटी दैट इज वन जीरो सेवन फोर पॉइंट सिक्स Now to next question. आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स देन डिविडेंड एक्सपेक्टेड अच्छा

थर्टी फोर हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड से नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाले हमने इक्विटी कैपिटल रिजर्व किलोमीटर रिजर्व इतना गिवन है डिवेंचर की वैल्यू कितनी होगी आठ सौ है तो टोटल तो ऑपरेटिंग कैपिटल कितना आ गया फोर्टीन हंड्रेड लैक्स कोई दिक्कत नहीं है अब आपको के डी गिविन के डी कैसे निकालना आपका सेवन परसेंट टैक्स मैनेज करके और के ही तो गिवन आपको इस बार सेवनटीन पॉइंट फाइव परसेंट कोई दिक्कत नहीं है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ तो कैपिटल निकालते हैं देखिए इक्विटी प्लस रिजर्व कितना होगा गया छः सौ डे कितना हो गया आठ सौ टोटल ये वैल्यू होगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों की ये हो गया रेश ये आपका वेट्स निकल गया प्रोडिट गया तो आपके पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आ गया एलेवन पॉइंट फाइव परसेंट राइट अब हमें बस निकलना है और नो पैट दैट इज द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या इस क्वेश्चन में इस बार ना देखो आपको ना तो ई पी है ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है कुछ भी नहीं है लेकिन एक नया टर्म दे दिया दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लेवरेज पहले इसको समझते हैं कि ये फाइनेंशियल होता क्या है देखिए आपके पास जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है वो आता कैसे पहले आप इंटरेस्ट माइनस करते हो आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स टैक्स माइनस करते आपके पास आता है प्रॉफिट आपको पता है क्लास ये जो वेरिएबल्स और पिस्कोस होते हैं आपके होते हैं बिजनेस रिस्क दैट इज बिजनेस कॉस्ट

तो देखिए फॉर्मुला बन गया आपका दैट इज डिवाइडेड दीबीआई इसको हम पीबीटी को देखो पीबीटी का बात आपके पास इंटरेस्ट पे करने के बाद तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आपको डी एफ एल गिवेन कर लिया तो देखो क्या होगा एक्स डिड बाई एक्स माइनस एट्टी इंटरेस्टी देखिए आपको इंटरेस्ट गिवन आपको इंटरेस्टी लैख का राइट right? अब बस इससे हमने क्या निकलिया पीबीआई टू एटी लैख राइट right? अब इसमें से हम टैक्स रेट माइनस करेंगे सर आपने इंटरेस्ट माइनस नहीं करा ये इंटरेस्ट कौन सा है मैंने ऊपर बताया था ना ये फाइनेंशियल कोस्ट है फाइनेंशियल कोस्ट तो माइनस करते नहीं है तो इसलिए हम डायरेक्ट इसी अमाउंट पे हम टैक्स रेट माइनस करेंगे तो टैक्स कितना तो तो तीस परसेंट तो आपके पास नो पैड कितना आ गया वन नाइनटी सिक्स डेट सेट तो ई वी क्या होगा नो पैड कितना हो गया वन नाइनटी सिक्स ई सी ई कितना है फोर्टीन हंड्रेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इलेवन पॉइंट फाइव परसेंट

इक्विटी कर रहा है सौ रुपए से प्रेफरेंस कर रहा है नब्बे पे डिफेंस कर रहा है नाइनटी फोर पे आपको निकालना है मार्केट वैल्यू रेड अच्छा अब तक हम निकाल देते हैं इकोनॉमिक वैल्यूडेड अब हमें निकालना है मार्केट वैल्यू देखिए कुछ नहीं है सिंपल है तो आपका देखिए पहले आपने देखो कि आपके पास मार्केट में क्या क्या चल रहा है इक्विटी का रेट कितना है सौ रुपये के हिसाब से प्रेफरेंस का नब्बे के हिसाब से डिफेंस का नाइन्टी के हिसाब से तो आपके पास आ गया मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल बर्ड इसमें से बुक वैल्यू माइनस कर दो देखिए बुक वैल्यू कितनी की हुई ना आपको दो हजार तो वो माइनस कर दो तो आपके पास जो वैल्यू है एडिशन वो क्या है आपकी मार्केट वैल्यू एडेड और राइट सो क्लास दिस इज दी चैप्टर दैट इज वैल्यू एडेड स्टेटमेंट यहाँ पर अब हमने सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल थैंक यू